अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो कालिब जो हैं, दो मैट्रिक्स, उनको जमा या तफरीक कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दो कालिब, टू मैट्रिक्स उस वक़्त ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जब वो मसावी होंगे, जब उनका आर्डर सेम होगा। सेम आर्डर के जो मैट्रिक्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, उसके अलावा और मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी दो मैट्रिक्स लिखे हैं, ए और बी, मैंने इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं पहले लिखूंगा ए प्लस बी इज इक्वल, ए का मैट्रिक्स लिखूंगा, आगे प्लस, आगे बी का मैट्रिक्स लिखूंगा। व्यूअर्स, इसमें सिंपल है कि जो पहला पॉइंट है पहले मैट्रिक्स का, वो पहले दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके पहले पॉइंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और इसी तरह साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस 7, 2 प्लस 5, 4 प्लस 4, 3 प्लस 6, और जब हम इसको ऐड करेंगे 8, 7, 8, 9 जो है ये हमारी इनटू मैट्रिक्स की एडिशन आ गई है। अब इसी तरह अगर मैं इनकी सब्ट्रैक्शन मालूम करना चाहूँ तो उसी तरह ए मैट्रिक्स आएगा माइनस बी मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। पहली वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगी, दूसरी दूसरी से, तीसरी वैल्यू तीसरी से, और चौथी चौथी वैल्यू से। जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा आंसर जो है -6, -3, 0 और -3, ये सब्ट्रैक्शन का मेरा आंसर आ गया है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। लिंक आगे भी फॉरवर्ड करें, वीडियो खुद भी देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।